हेलो दोस्तों, गैजेट एंड टेक एडवाइस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2019 आखिर स्टार्ट हो चुका है। मेंस वाला स्टार्ट हो ही चुका है, उसके बाद वुमेन वाला भी स्टार्ट होने वाला है, यानी कि आज की डेट में स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के समय में ज़्यादातर लोगों के पास समय नहीं है कि वो टीवी के सामने बैठ कर मैच देखें, क्रिकेट मैच देखें, पूरा वर्ल्ड कप देखें। तो उसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि वो अपने मोबाइल पर मैच देखें। तो मोबाइल पर आप सभी को पता ही होगा कि सिर्फ हॉटस्टार के पास ही राइट्स हैं कि वो मैच को दिखा सकता है, और हॉटस्टार की प्रीमियम मेंबरशिप काफ़ी महंगी आती है। तो जियो ही एक ऐसा नंबर है जिसका सिम का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको हॉटस्टार की प्रीमियम मेंबरशिप मिलती है, जिसमें कि आप क्रिकेट मैच पूरा देख सकते हैं लाइव फ्री में, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज दिए बिना ही आप हॉटस्टार पर पूरा मैच देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब बातें तो वैसे आप सभी को पता ही होंगी, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि अगर आप वोडाफोन, एयरटेल, बीएसएनएल जैसे अगर जियो के अलावा कोई भी नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके इंटरनेट से भी आप कैसे हॉटस्टार पे मैच देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में बिना प्रीमियम मेंबरशिप लिए। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ट्रिक का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों, ऐसी और ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल गैजेट एंड टेक एडवाइस ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको बता देते हैं आखिर कि आप बिना जियो के नंबर के ही आप हॉटस्टार पर फ्री में क्रिकेट वर्ल्ड कप या फिर जैसे आईपीएल या कोई भी ऐसा टूर्नामेंट का मजा ले सकते हैं फ्री में बिना जियो के नंबर के ही। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना ये होगा कि अगर आपके पास कोई नंबर है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिएगा, अगर आपके पास एयरटेल का नंबर है तो उसमें सबसे पहली बात तो आपके पास डेटा होना चाहिए, जैसे कि आप उसमें भी कोई अनलिमिटेड प्लान ले रखे हैं जिसमें आपको डेली का 1 GB, 1.5 GB, 2 GB चाहे कितना भी डेटा मिल रहा हो, तो वैसा आपके पास कोई ना कोई प्लान तो होना ही चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो इंटरनेट के बिना तो हो नहीं पाएगी। ऐसी तो शायद अभी कोई भी ट्रिक नहीं है कि आप बिना इंटरनेट के भी मोबाइल पर स्ट्रीमिंग कर लें। तो सबसे पहली बात तो यही होगी कि आपके पास एक इंटरनेट प्लान होना चाहिए और जो अच्छी खासी स्पीड देता हो, यानी कि आपको कम से कम 300-400 KBPS तो चाहिए ही होगी, उससे ऊपर रहे तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जितनी अच्छी स्पीड रहेगी उतनी अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी स्ट्रीमिंग के समय। तो दोस्तों, ये तो हो गया कि आपके पास एक ऐसा नंबर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों नंबर आता है कि आखिर आप एयरटेल के इंटरनेट से कैसे हॉटस्टार पर क्रिकेट मैच फ्री में देख सकते हैं। तो दोस्तों, हॉटस्टार एप्लीकेशन तो होनी चाहिए, तो आम सी बात है। इसके अलावा आपके पास एक ऐसा नंबर होना चाहिए, चाहे वो आपके किसी दोस्त का हो, चाहे किसी रिलेटिव का हो, चाहे किसी का भी हो जिसके पास जियो का नंबर हो। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए आपको जियो के नंबर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आपका ही हो, किसी और का भी हो तो भी वो काम चल जाएगा। दोस्तों, ट्रिक ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं है कि आपको भी जियो का नंबर खरीदना पड़ जाए। तो इसके लिए आपको उसके मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करना होगा और उसका डेटा ऑन करना होगा। उसके बाद आप अपने मोबाइल का डेटा ऑन नहीं करेंगे, आपको सिर्फ अपने मोबाइल का वाईफाई ऑन करना होगा, और जिस दूसरे पर्सन का आपने जियो के नंबर से हॉटस्पॉट ऑन किया है उससे दोस्तों आपको अपने वाईफाई को कनेक्ट करना होगा। तो दोस्तों, जब वो वाईफाई उस जियो के नंबर के हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाएगा, तो अगर आप हॉटस्टार खोल रहे हैं तो वो हॉटस्टार उसी नंबर के साथ खुलेगा जिस जियो के नंबर से आपने हॉटस्पॉट ऑन किया होगा। उसके बाद आपको जियो के नंबर का फ़ायदा तो मिलने लगेगा, यानी कि आपके पास हॉटस्टार भी फ्री में चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद सवाल उठता है कि अगर आपको दूसरे के जियो सिम से ही चलाना है तो आखिर क्या फ़ायदा। तो दोस्तों, ट्रिक बड़ी है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपके खुद के नंबर में भी, चाहे वो एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, आइडिया, चाहे किसी भी कंपनी का हो, उसमें भी आपके पास डेटा होना चाहिए। तो दोस्तों, एक बार जैसे ही हॉटस्टार पर आपने क्रिकेट मैच स्टार्ट कर दिया, स्ट्रीमिंग होना शुरू हो गई, वो 2-3 मिनट चलना शुरू हो गया, तो उसके बाद आप 2-3 मिनट क्या 5 मिनट कम से कम उसे चलने दें वैसे ही जियो के नंबर से ही, यानी कि उसके हॉटस्पॉट से और अपने वाईफाई से। इसके बाद आपको वाईफाई नहीं बंद करना है, आपको चुपचाप अपने मोबाइल का डेटा ऑन कर देना है। जी हाँ दोस्तों, और डेटा जैसे ही ऑन हो जाएगा वैसे ही जो हॉटस्टार पर क्रिकेट मैच चल रहा होगा वो आपके डेटा से चलना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही 1 मिनट बाद आपके डेटा यानी कि आपके नंबर से वो चलना शुरू हो जाए वैसे ही आप वाईफाई बंद कर देंगे और दूसरे पर्सन का, जिससे कि आपने जियो के नंबर से हॉटस्पॉट ऑन किया है, उसके नंबर का भी आप हॉटस्पॉट बंद कर देंगे। उसके बाद आप अपने मोबाइल पर अपने खुद के डेटा पैक से ही जी भर के क्रिकेट का मजा ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जी हाँ दोस्तों, पूरी स्ट्रीमिंग आप कर सकते हैं
उसके लिए आपको कोई भी मेंबरशिप नहीं लेनी पड़ेगी। दोस्तों ये ट्रिक मेरी आजमाई हुई है, इसी ट्रिक से मैंने पूरा IPL देखा, पूरा वर्ल्ड कप देख रहा हूँ और बाकी सारे मैचेस जो भी हॉटस्टार पर आते हैं इसी तरह से मैं देखता हूँ। तो दोस्तों ये ट्रिक कहीं की सुनी हुई नहीं है, ये मेरे द्वारा खुद की यूज़ की हुई है। तो दोस्तों मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ कि ये ट्रिक ज़रूर काम करेगी। तो दोस्तों ये ट्रिक काफ़ी अच्छी है, अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हैं तो ये ट्रिक आपको ज़रूर पता रहनी चाहिए। इससे कई ढेर सारे फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये कि अगर आपके पास जियो का सिम नहीं है फिर भी आप क्रिकेट का मज़ा ले सकते हैं, उसके बाद भी आप क्रिकेट का मज़ा ले सकते हैं हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में। और अगर आपके पास जियो का सिम भी है, अगर आपका उसमें डेटा पैक ख़त्म हो जाता है, तो अगर आपके किसी और नंबर में अगर डेटा प्लान है तो उसके हॉटस्पॉट से भी आप ऑन करके अपने जियो के नंबर पे यानी कि अपने खुद के फ़ोन पे ही पूरे मैच का मज़ा ले सकते हैं, वो भी किसी और नंबर के हॉटस्पॉट से। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और इस ट्रिक के बारे में आपके कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल गैजेट एंड टेक टॉयज अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ट्रिक का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें।